नमस्कार जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजस्थान के सियासी घमासान के बीच हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई। सिंधवी बोले, स्पीकर के फैसले से पहले कोर्ट नहीं दे सकता दखल। सचिन पायलट पर सीएम अशोक गहलोत ने जमकर बोला हमला, का मैं जानता था, निकम्मा नकारा और धोखेबाज है पायलट। सीएम गहलोत बोले, हमने पायलट की साजिश का किया पर्दाफाश। कांग्रेस ने हमेशा पायलट का दिया साथ, पर उसने पीठ में भोपा छुरा। राजस्थान की सियासत पर पायलट के समर्थन में आया गुर्जर समाज। यूपी हरियाणा और राजस्थान के गुर्जर 26 जुलाई को करेंगे पंचायत। राजस्थान सीएम गहलोत सहित 102 विधायकों के खिलाफ शिकायत। एडवोकेट ओम प्रकाश ने जयपुर कोर्ट में दाखिल की याचिका। कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा ने पायलट पर लगाया बड़ा आरोप, का बीजेपी में आने के लिए दिया था 35 करोड़ का ऑफर। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने केंद्रीय मंत्री शेखावत को दिया नोटिस, का खरीद फरोख्त मामले की जांच के लिए दें वॉइस सैंपल। एसओजी के नोटिस पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का बड़ा बयान, का पहले ऑडियो क्लिप की हो जांच, मैं जांच के लिए तैयार। विकास दुबे मामले में सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई। एनकाउंटर पर अदालत ने योगी सरकार से पूछे कई सवाल। विकास को दी गई पैरोल पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैरान, का इतने संगीन जुर्म के आरोपी को कैसे दी गई जमानत। चीफ जस्टिस बोबड़े ने पूरे मामले में यूपी सरकार को बताया विफल, का ये सिर्फ एक केस ही नहीं पूरे सिस्टम की बात। यूपी सरकार को फिर से जांच कमेटी गठित करने के दिए निर्देश, का नई कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को किया जाए शामिल। कानपुर में गंगेश्वर विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, 3 गोलियां लगी थी आर पार, शरीर में मिले जख्म के 10 निशान। राहुल गांधी ने मन की बात सीरीज का दूसरा वीडियो किया जारी, चीन को लेकर मोदी सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। राहुल बोले, सत्ता में आने के लिए मोदी ने बनाई फेक मजबूत छवि, लेकिन भारत के लिए अब ये बनी सबसे बड़ी कमजोरी। राहुल गांधी के वीडियो पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बोला हमला, का सालों से एक परिवार पीएम मोदी को नष्ट करने में जुटा। एलएसी के हालात पर एयरफोर्स की इसी हफ्ते होगी अहम बैठक, एयर चीफ मार्शल और उनके साथ कमांडर इन चीफ करेंगे मंत्रणा। वायुसेना ने फॉरवर्ड बेस पर तैनात किए मॉडर्न तकनीक वाले जेट फाइटर। बैठक में राफेल का ऑपरेशनल स्टेशन बनाए जाने पर भी होगा फोकस। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मानसून सत्र जल्द शुरू होने पर जताई उम्मीद, का मार्च में कोरोना की वजह से किया गया था स्थगित। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने की प्रिंट मीडिया की जमकर तारीफ, का कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। कोरोना महामारी के बढ़ते मामले को लेकर यूपी सरकार का फैसला, बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन की दी अनुमति। कोरोना के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, वर्चुअल रैली और बूथ मैनेजमेंट में जुटी सभी पार्टियां। केंद्रीय मंत्री नकवी ने एनसीपी चीफ शरद पवार पर किया पलटवार, का मंदिर बनाने के साथ कोरोना से भी लड़ने में सक्षम है सरकार। शरद पवार ने श्री राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख पर कसा था तंज, कहा क्या अयोध्या में निर्माण शुरू करने से खत्म हो जाएगा कोरोना। भाजपा नेता उमा भारती ने भी शरद पवार पर जमकर बोला हमला, का मंदिर पर पवार का बयान पीएम नहीं बल्कि भगवान राम के खिलाफ। मंदिर भूमि पूजन पर शरद पवार के तंज के समर्थन में आए दिग्विजय, का आपकी सलाह मोदी साहब मानते तो नहीं होता ये हाल। गोवा के रेडकर अस्पताल में कोरोना के टीके की तैयारियां पूरी, आज से वैक्सीन का शुरू किया जाएगा मानव परीक्षण। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आप विधायकों पर बोला हमला, का अनाड़ी विधायकों के चलते गंभीर होते जा रहे हालात। किसानों को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किया ऐलान, का किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों पर लगेगी रासुका। केंद्रीय कर्मियों के लिए नाइट ड्यूटी के सरकार ने बदले नियम, हर एक घंटे काम पर मिलेगा 10 मिनट का अतिरिक्त फायदा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ ने अमित शाह से की मुलाकात, कोरोना की स्थिति और कानून व्यवस्था पर केंद्र को दी जानकारी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में आयोजित हुई हिंदूज फॉर ट्रंप रैली, डिजिटल रैली में 1 लाख से अधिक भारतीय अमेरिकी हुए शामिल। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से हर साल होगी 1000 करोड़ की बचत। वसुंधरा राजे मामले में हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को थमाया नोटिस, निर्देश के बाद भी सरकार ने पूर्व सीएम से नहीं खाली कराया बंगला। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप पहुंचा अमेरिकी युद्धपोत निमित्त, लद्दाख सीमा पर तनाव के बीच चीन पर बढ़ेगा और दबाव। कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों को पार्टी में रहने की दिलाई शपथ, का 1977 की तरह एक बार फिर देश में मजबूत होगी कांग्रेस। कोरोना महामारी के बीच बच्चों की पेशी पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। पुचेरी सरकार ने बीपीएल श्रेणी के परिवार को दिया बड़ा तोहफा, 100 यूनिट तक बिजली और पानी का इस्तेमाल करना होगा फ्री। केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन, फसल बेचने और मंडी से जुड़े अध्यादेश वापस लेने की उठाई मांग। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से की अपील, का बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करें कार्यकर्ता।
स्वस्थ होने के बाद काम पर लौटे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। बीते 17 जून को कोरोना के संक्रमण की हुई थी पुष्टि। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने गोधन न्याय योजना आज से की शुरू। अब 2 रुपए प्रति किलोग्राम गोबर खरीदेगी राज्य सरकार। लोकसभा सांसद सीआर पाटिल बने गुजरात भाजपा के नए अध्यक्ष, जबकि सांसद जामयांग सेरिंग को मिली लद्दाख की कमान। हरदोई में सार्थक पहल समिति ने 80 परिवारों में बांटी राशन किट। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश शर्मा और माइंडीफाई कंपनी का रहा विशेष योगदान। पुलिस महानिरीक्षक और नोडल अधिकारी रमेश शर्मा पहुंचे रामपुर। कंटेनमेंट जोन का किया दौरा, ड्रोन से ली तैयारियों की जानकारी। रामपुर के जिलाधिकारी ने मास्क न लगाने वालों से कराई उठक बैठक। डीएम ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के आपस में हाथ मिलाने पर लगाई फटकार। रामपुर में 35 संविदा कर्मचारियों ने सरकार से लगाई सैलरी देने की गुहार। का 5 महीने से नहीं मिला वेतन, खाने तक के लिए नहीं है पैसे। सरकारी एम्बुलेंस में रंगरेलिया मनाता मिला कर्मचारी। वीडियो वायरल होने के बाद हटाया गया संबंधित कंपनी कर्मचारी। रोहतास जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। बिना जाँच किए ही महिला की बना दी पॉजिटिव रिपोर्ट। रोहतास में शादी की नियत से नाबालिग लड़की का अपहरण। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।